केंद्र और राज्य सरकारों में सियासी तकरार की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन ऐसा खासकर उन राज्यों के साथ होता है जहां केंद्र की सरकार से इतर किसी अन्य पार्टी की सरकार हो। मगर ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब दोनों जगह यानी केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो और दोनों सरकारों में टकराव की स्थिति आ गई हो। पूरा मामला केंद्र की मोदी सरकार और गुजरात की विजय रूपाणी सरकार के बीच का है, जिसने दोनों के बीच डाल दी है दरार। दरअसल 1 सितंबर से लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। जुर्माने की मोटी रकम ने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है, और उड़े भी क्यों ना, जब जुर्माने की रकम आपके वाहन से भी ज्यादा हो जाए। जी हां, ऐसा ही हाल इन दिनों उन राज्यों में है जहां केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया गया है। कई राज्यों ने इस एक्ट के लागू होने के एक हफ्ते के अंदर ही भारी भरकम कलेक्शन भी कर लिया, लेकिन नए एक्ट के चलते भारी जुर्माने को लेकर लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही थी, जिसके चलते कुछ राज्य सरकारें जनता को थोड़ी रियायत देने पर विचार कर रही हैं। इसी कड़ी में गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने जुर्माने की रकम को कम कर दिया, लेकिन उनके इस फैसले से केंद्र सरकार बेहद नाराज नजर आ रही है। जी हाँ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोटर व्हीकल संशोधन बिल में कोई भी राज्य बदलाव नहीं कर सकता। दरअसल गुजरात सरकार ने मंगलवार को जुर्माने की रकम घटाने का ऐलान किया। राज्य सरकार ने खास तौर से दोपहिया और कृषि कार्य में लगे वाहनों को ये छूट दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इस नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है, इसमें हमने जुर्माने की रकम को कम किया है। इधर सीएम विजय रूपाणी ने जनता को राहत देने का ऐलान तो किया, लेकिन उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान आ गया। गडकरी ने कहा, मैंने राज्यों से जानकारी ली है, अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने कहा हो कि इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे, कोई भी राज्य इससे बाहर नहीं जा सकता। गडकरी के इस बयान से साफ है कि उन्होंने गुजरात सरकार के उठाए गए कदम पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि गडकरी इससे पहले भी ट्रैफिक फाइन बढ़ाने के फैसले का कई बार बचाव कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम बढ़ाने का फैसला जेब भरने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए प्रेरित करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के मकसद से लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि एक बार ओवर स्पीडिंग के चक्कर में उनकी गाड़ी का चालान कट चुका है। खैर, अब राज्य सरकार केंद्र के इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा। डिवी लाइफ की रिपोर्ट।